विश्वानि देवसवितरदुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्न आसुभ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के समाधि पाद पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें चित्त को शुद्ध करते हुए एकाग्र करने के कुछ परिक्रम बताए हैं महर्षि ने। उन परिक्रमों पर हम चर्चा कर रहे थे, वो कौन कौन से साधन हैं जिसके माध्यम से हम चित्त को एकाग्र और शुद्ध कर सकते हैं। उसमें से तीन कारण तो हमने पूर्व में पढ़ लिए हैं। भावना चतुष्टय सूत्र संख्या 33, प्राणायाम 34 और विषयवती वाप्रवृत्ति ये सूत्र संख्या 35। इन तीन कारणों पर तो हमने वर्णन किया। इसके अतिरिक्त भी और भी कारण हैं, उसको महर्षि सूत्रकार आगे बता रहे हैं विकल्प बताकर, वाह वाह कहकर, अथवा ये भी कर सकते हैं, अथवा ऐसे भी कर सकते हैं, अथवा ऐसे भी कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे विकल्प दे रहे हैं, किसी का अनुष्ठान करके हम अपने चित्त को एकाग्र करें। तो आगे साधन का निर्देश करते हुए महर्षि सूत्र संख्या 36 में कह रहे हैं, विशोका व ज्योतिष्मती। पहले विषयवती थी, ये ज्योतिष्मती है। विशोका नाम की है, ज्योतिष्मती वाली है। जैसे वो विषयवती वाली थी, ये ज्योतिष्मती वाली है। तो विशोका व ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, ये पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है। तो पूरा सूत्र हो जाएगा, विशोका व ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। ऐसा पूरा सूत्र होगा। यानी कि विशोका नामक ये जो स्थिति है, विशोका मतलब विगतः शोका, कि जहाँ पर शोक निवृत्त हो गए हैं, शोक निवृत्त हो गए हैं, जिससे विगत हो गए हैं, उस स्थिति को विशोका कहा गया है। ये स्वरूप है, इसका एक लक्षण है। और ये प्रवृत्ति कैसी है? ज्योतिष्मती प्रवृत्ति है। और यह भी, इससे भी जो होने वाली अनुभूति है, यह अनुभूति भी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है, रोकने वाली यानी कि एकाग्र करने वाली होती है, मन की चंचलता को दूर करने वाली होती है। तो ये ज्योतिष्मती क्या है, ये इसकी अनुभूति कैसे, इसमें क्या किया जाता है, इसके लिए महर्षि भाष्यकार ने, वेदव्यास जी ने कहा कि हृदय पुंडरी के धार्य तो या बुद्धिसत्वम ही भास्वरम आकाशकल्पम तत्र स्थिति वैशारद्याद प्रवृत्ति है सूर्य इंदु ग्रह मणि प्रभा रूपाकारेण विकल्पते। करेंगे हृदय पुंडरीक में, हृदय को एक पुंडरीक की भांति, कमल की भांति कल्पना किया गया है कि उस हृदय स्थान में हम एक पुंडरीक की कल्पना करें। अष्टदल कमल वाला, अष्टदल वाला एक पुंडरीक कमल, वहाँ पर ऐसी आकृति बनाए, वहाँ पर ध्यान करें। और ध्यान करने पर क्या होता है कि क्योंकि हृदय में बुद्धि का निवास हृदय में, यानी कि मन का निवास हृदय में कहा गया है, तो वहाँ पर हम बुद्धि तत्व कहिए, मनस तत्व कहिए, जो भी कहिए, अंतःकरण कहिए, वो जो बुद्धि सत्व है उसको बुद्धि सत्व कहा जाता है। बुद्धि क्योंकि सत्व प्रधान, इसलिए इसको बुद्धि सत्व कहा जाता है। और सत्व जो होता है वो प्रकाशक होता है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापौरगार्थम दृश्यम, आगे कहेंगे कि जो सत्व है वह प्रकाशमय होता है, ज्ञानमय होता है। तो इसलिए भास्वरम आकाशकल्पम, आकाश का मतलब व्यापक, उस बुद्धि में ही एक भास्वर प्रकाशमय और एक अनंत प्रकाशमय स्थिति बनती है। और तत्र स्थिति वैशारद्यात, उसी की स्थिति की और निर्मलता होने पर, यानी कि जब हृदय कमल में हम बारंबार ध्यान करते हैं तो वहाँ पर दिव्य ज्योति की अनुभूति होती है। और वह दिव्य ज्योति एकदम भास्वर प्रकाशक होती है। और उसी की और, क्योंकि बारंबार करने से, एक बार में नहीं होता, बारंबार करने से वो स्थिति और दृढ़ होती है। उसी को कहा कि स्थिति वैशारद्यात, उस स्थिति की और निर्मलता होने पर, स्वच्छता होने पर, परिपक्व अवस्था आने पर जो प्रवृत्ति होती है उसमें भिन्न भिन्न स्थितियाँ देखने में आती है, अनुभूति अलग अलग होती है। कभी तो सूर्य की भांति, कभी सूर्य की रश्मि की भांति, कभी ग्रह जैसे चमकते हैं उसके भांति, मणि की भांति, मणि के प्रकाश प्रभा, इस रूपों वाले अनुभव होते हैं, अलग अलग अनुभव होते हैं। वहाँ पर उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में इसकी स्थिति का वर्णन आया है कि पहले किस प्रकार से अनुभूति होती है। पहले मंद प्रकाश होता है, फिर थोड़े दीपक के प्रकाश जैसा होता है, फिर सूर्य के प्रकाश जैसा होता है, फिर वो एकदम स्पष्ट होता है। ऐसे करके वो प्रकाश में स्थिति जो है अलग अलग होती है। तो वो जो स्थिति बनती है प्रकाश में स्थिति, हृदय पुंडरीक में धारणा करने से वो बड़ी सुखकर स्थिति होती है, उसमें आह्लादक स्थिति होती है, आनंद आता है। इसलिए वह आनंद, वो जो सुख है, वह अपने आप चित्त की चंचलता को दूर कर देता है। ये स्थिति अंतिम स्थिति नहीं है, प्रारंभिक स्थिति है, शुरुआती दशा है, समाधि नहीं है, धारणा वाली स्थिति है। तो केवल धारणा के समय है, ध्यान और समाधि तभी आगे है। तो धारणा मात्र से ये अनुभूतियाँ आने लगती है, और ऐसी अनुभूतियाँ जब दिव्य अनुभूति होती है, सुखकर अनुभूति होती है, तो वो हमारे मन को बांध देती है, यानी कि एकाग्र कर देती है। और वो सूर्य की भांति, रश्मि की भांति, मणि की भांति, उसके प्रभा की भांति, और अलग अलग रूप में, अलग अलग दशाओं में, अनुभव में आती है। तो इस प्रकार से, और तथा अस्मितायाम, इसी प्रकार का अस्मिता में, यानी कि अहंकार में, तो बुद्धि में संयम हुआ, और इस प्रकार बुद्धि से भी ऊपर जाएंगे तो अहंकार में संयम। अस्मिता अर्थात यहाँ पर अस्मिता अहंकार को न लेकर के ये बुद्धि और पुरुष की जो एकात्मता स्थिति है, वृत्त्यात्मक स्थिति, जो पुरुषाकार कारित वृत्ति क्षणिक वृत्ति है, क्योंकि निरंतर वृत्ति तो समाधि के अंतर्गत आ जाती है। उसको अस्मिता नामक जो संप्रजात समाधि के भेद किया, उसके अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ पर समाधि वाली नहीं लेनी है, अपितु तो वहीं पुरुषाकार कारित वृत्ति क्षणिक बने, उस क्षणिक वृत्ति को ही यहाँ पर अस्मिता कहा गया है। तो बुद्धि में ही है, इसको बुद्धि में ही पुरुषाकार कारित वृत्ति, यानी कि पुरुष के आकार की आकारित वृत्ति, अन्य वृत्ति ना रहे, पुरुष के आकार की आकारित क्षणिक वृत्ति हो, तो उस दशा में कैसे अनुभूति है? तो कह रहे हैं कि चित्तम निस्तरंग महोदधिकल्पम शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम होती, कि ऐसी स्थिति होती है जैसे निस्तरंग महोदधि हो, समुद्र हो, ऐसा समुद्र एकदम शांत हो। अभी तो हमारे अंदर जो है वृत्ति बनती रहती, उठती रहती है, और यदि हम उस पर नियंत्रित नहीं करते तो वो वृत्ति उथल पुथल मचा देती है। अनियंत्रित वृत्ति जब उठती है तो व्यक्ति की स्थिति डमाडोल हो जाती है, चंचल हो जाता है चित्त, कभी राग, कभी द्वेष, कभी काम, कभी क्रोध, और नाना, उसमें भी नाना प्रकार के भेद, काम में भी नाना प्रकार के भेद, क्रोध में भी नाना प्रकार के विषय, लोभ में भी नाना प्रकार के विषय। इस प्रकार से वो मन को अशांत कर देता है और व्यक्ति दुखित हो जाता है, क्योंकि अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ, सुख तो शांति में है। वो एक निस्तरंग स्थिति, जो मन में कोई राग द्वेष न हो, और वो एक स्थिति होती है जिसको प्रशांत स्थिति कहते हैं। और ऐसा समुद्र की परिकल्पना करिए कि जिसमें कोई हलचल ना हो, तरंग से रहित हो, ऐसी तरंग से रहित, और अनंत हो। अनंत का मतलब उसका कहीं अंत नहीं है, और बड़ी अनंत सुख है उसमें। इस प्रकार के एक शांत और अनंत की स्थिति अस्मिता मात्र होती है। और यह भी जिसमें कैसे अनुभूति होती है, तद्रेत एतद उक्तम, इस विषय में ये कहा गया है कि तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य अस्मि इति एवं तावत संप्रजानीत इति, कि तम अणुमात्रम आत्मानम, अणुमात्र आत्मानम का मतलब वो जो सूक्ष्म आत्म तत्व है, वह अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य, वह अपने अणुमात्र आत्मा को, यानी कि सूक्ष्म आत्मा को जान करके, इस रूप में वृत्त्यात्मक रूप में भी समाधि नहीं घटित हुई है, उसी रूप में वह अस्मित एवं तावत संप्रजानित इति, वह मैं हूँ, मैं चेतन हूँ, इस प्रकार की हल्की अनुभूति, हल्की झलक उसको प्राप्त होती है। पुरुष की अभी अनुभूति उस प्रकार से नहीं होती, पुरुष साक्षात्कार नहीं हुआ, परंतु मैं हूँ, मैं कोई विलग हूँ, मैं इनसे अलग एक शांत स्थिति आ गई। अभी जो हमारी स्थिति है वो वृत्ति के साथ एकात्मता की स्थिति है, वृत्ति सारूप्य मितरत्व की स्थिति है। उस स्थिति में क्षणिक ही सही, लेकिन ये अनुभूति हो जाती है कि मैं इससे अलग हूँ, क्योंकि क्षणिक स्थिति बनती है कुछ देर के लिए, जो कि वृत्तियों से ऊपर उठ करके और पुरुषाकार कारित वृत्ति होती है। तो उसमें वो स्थिति आती है, बड़ी सुखकारी होती है, सुख देने वाली होती है। जैसे वृत्ति से रहित स्थिति, हम निद्रा में ही चले जाते हैं, हालांकि निद्रा को भी एक वृत्ति कहा महर्षि ने, लेकिन अन्य वृत्ति की अपेक्षा तो निद्रा एक अभावात्मक ही वृत्ति है। लेकिन वहाँ अन्य वृत्तियाँ ना होने के कारण, चूँकि वो भी वृत्ति है लेकिन अन्य की अपेक्षा तो शांत वृत्ति है, इसलिए उस निद्रा में कितना सुख मिलता है। तभी तो व्यक्ति इतने प्रमादी होते हैं, क्योंकि सुख मिलता है वहाँ पर उनको, तो उस सुख में तो होता ही है। ऐसे ही सोचिए कि योग के माध्यम से यदि उस वृत्ति को, उस वृत्ति से पार चला जाए और जागृत में ही सुसुप्ति लग जाए। ये तो तमस के कारण, अविद्या के कारण स्थिति बनती है कि हम तमस में जाते हैं, तमस हमारा बढ़ता है और फिर जो है निद्रा आती है, गाढ़ी निद्रा सुसुप्ति में हम जाते हैं। तो उसमें भी अपने स्वरूप का बोध न होता हुआ भी एक आनंद की स्थिति, सुख की स्थिति तो बनती ही है। लेकिन वही स्थिति जागृत में हो जाए और वो अविद्या वाला जो पक्ष है वो हट जाए, क्योंकि अविद्या हटेगी तो वहाँ से जो है अनुभूति शुरू हो जाएगी, क्योंकि अविद्या जो है ज्ञान पर आवरण डालती है और अविद्या रूपी आवरण से वो जो हमारा आत्मज्ञान मैं हूँ की अनुभूति सुसुप्ति में तो नष्ट हो जाती है। मैं कहाँ गया क्या, ये तो सब पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि अविद्या वहाँ पर तमस अत्यंत बढ़ गया। और वही स्थिति जागृत में हो जाए योग बल के द्वारा, योग के माध्यम से, अभ्यास वैराग्य आदि ये जो साधन बता रहे हैं इसके माध्यम से हो जाए, तो ज्ञान भी बना रहे और वो अनंत सुख की और शांता की स्थिति भी बनी रहे। ये कितना सुखकारी होगा। तो इसलिए वो कहा कि इस प्रकार की उसको अनुभूति होती है। तो येषा द्वयी विशोका विषयवती अस्मिता मात्रा च प्रवृत्ति ज्योतिष्मति उच्यते यया योगिन चित्तम स्थिति पदम लभते। तो ये दो प्रकार की, इसके दो भेद हैं, एक अस्मिता वाली और एक ज्योतिष्मति। तो इस प्रकार से विशोका विषय वाली ज्योतिष्मति प्रवृत्ति और विशोका अस्मिता मात्र ज्योतिष्मति वाली प्रवृत्ति, इसके दो भेद बताए। क्योंकि इसमें जो है हृदय पुंडरीक में भी कहा धारण करने को, और दूसरा अस्मिता मात्र में भी, जो निस्तरंग महोदधि की भांति वहाँ पर एक अनंत शांतता की स्थिति प्राप्त होती है, वो दो प्रकार से कहा था, इसलिए इसके भेद दो कर दिए। तो विशोका व ज्योतिष्मति, इसका नाम विशोका है क्योंकि शोक से रहित की स्थिति है, इस कारण से इसको विशोका। लेकिन ये ज्योतिष्मति प्रवृत्ति है, वहाँ पर विषयवती थी क्योंकि उसमें विषयों का साक्षात्कार अनुभूति होती थी, रूप रसगंध आदि की अनुभूति होती थी, और यहाँ पर दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है। इसलिए प्रकाश का धारण करने वाले होते हैं, प्रकाश को मान करके कि भाई अपने आज्ञा चक्र पर या हृदय चक्र पर प्रकाश का एक चित्र बनाते हैं, उनको ऐसे धारणा करते करते ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। तो इससे भी, इस ज्योतिष्मति प्रवृत्ति के माध्यम से भी योगियों की चित्त जो है वह शीघ्र ही स्थिति पद को प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो एकाग्र हो जाता है। अब इसके अतिरिक्त और भी उपाय बता रहे हैं, 5 उपाय बता दिए, 6ठा उपाय बता रहे हैं सूत्र संख्या 37 में, और कह रहे हैं वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग महर्षियों के जो वीतराग हो, जिनके राग विगत हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, जो राग रहित हो चुके हैं, राग कहने से द्वेष का भी ना समझना चाहिए, क्योंकि राग के पीछे ही द्वेष आता है। जिस विषय में हमको राग होता है वो राग की पूर्ति, राग की मतलब लालसा, इच्छा, कामना किसी वस्तु की, किसी सुख की वस्तु के माध्यम से सुख हो सकता है या व्यक्ति के माध्यम से हो सकता है, जड़ हो अथवा चेतन हो, दोनों के माध्यम से हमें सुख मिलता है। तो उन जड़ और चेतन पदार्थों में एक सुख की अभिलाषा है, उत्कंठा है, उसको हम कहते हैं राग। और वही जो उत्कंठा, जब उस लालसा जब पूर्ति नहीं होती, उसमें बीच में कोई बाधा आ जाए तो उस बाधक तत्व से हमें द्वेष हो जाता है। तो इसलिए राग के पीछे द्वेष होता है, राग जहाँ है द्वेष अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर वीतराग कहने से राग तो रहित हो गया, इसका मतलब द्वेष है उसमें, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राग के पीछे द्वेष होता है। तो द्वेष भी, वीतराग कहने से द्वेष भी खत्म हो गया, ऐसा समझना चाहिए। तो जो ऐसे वीतराग महर्षि हैं जिनके राग नष्ट हो चुके हैं, ऐसे जितने हमारे दिव्य महाविभूति हैं, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, ऋषि मुनि हैं, उन सबके चित्त का आलम्बन लेकर के उनकी स्थिति का, उनकी स्थिति कैसी थी कि ऐसे विषयों का, क्योंकि इसी धरती पर उन्होंने जन्म लिया और वहीं पर विषयों का अंबार होते हुए भी उनके चित्त में थोड़ा सा ही विचलन नहीं आता था। ऐसी हमारी भी स्थिति हो जाए, उनकी स्थिति और अपनी स्थिति के साथ तादात्म्य करने का प्रयास वहाँ पर चलता है, और उन्हीं के चिंतन करते करते तद्रूप हो जाते हैं। उनके चिंतन, उनकी स्थिति से और अपनी स्थिति को मैच जब करा देते हैं तब वहाँ पर एक वीतराग रहित यानी कि वीतराग की स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। हम भी वैसा ही हो जाते हैं, उसको सोचते सोचते उनकी स्थिति का चिंतन, उनके चित्त की स्थिति का चिंतन करते करते और हमारी भी स्थिति वैसे हो जाते हैं कि हम भी राग रहित होने लगते हैं और तुरंत मन जो है स्थित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। तो वीतराग विषयम चित्तम, वीतराग जो महर्षि हैं उनके चित्त की, उनकी स्थिति की, उनके चित्त की कैसी स्थिति थी वो सब चिंतन करते करते, ध्यान में उनको चिंतन करते करते और ऐसा हो जाता है कि वीतराग चित्तालम्बनोपरक्तम वा योगिन चित्तम स्थितिपदम लभते इति, कि जो वीतराग व्यक्ति हैं, महर्षि हैं, उनके चित्त का आलम्बन लेते हुए और उससे उपरक्त अपना चित्त कर लेते हैं तो योगी का शीघ्र ही स्थिति पद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वीतराग विषयम चित्तम, ये पांचवा कारण बताया। पीछे चार ही हुआ था, ये पांचवा है। तो वीतराग विषयम चित्तम, वीतराग महर्षियों के चित्त का आलम्बन लेकर के उनकी चित्त की स्थिति कैसी थी, राग रहित स्थिति, उनके चिंतन करते करते उनकी स्थितियों का, क्योंकि कहानियों के माध्यम से हमने सुना है, तो उसी को चिंतन करते 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 और उनके ऐसे पक्ष का चिंतन करना है जहाँ पर उनके विरक्त का उपदेश है। जैसे भगवान बुद्ध आदि का वर्णन आता है कि किस किस प्रकार की स्थिति जब उनके सामने आई, लेकिन वो किस प्रकार से दृढ़ होते हुए उनके सामने सब काम आदि जो विकार हैं वो आलम्बन हैं, वो उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो ऐसी स्थिति का सम्याधान करने से जो है हमारी भी स्थिति वैसे ही बन जाती है, हमारा चित्त तुरंत एकाग्र हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी साधन बता रहे हैं। छठा साधन बताते हुए कह रहे हैं महर्षि सूत्र संख्या 38 में, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न ज्ञानालंबनम, निद्रा ज्ञानालंबनम वा, ऐसा अन्वय होगा। स्वप्न ज्ञान का आलम्बन और निद्रा ज्ञान का आलम्बन लेने से भी हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। स्वप्न ज्ञान क्या है? कभी कभी ऐसे दिव्य स्वप्न एकाध बार आ जाते हैं व्यक्ति के जो अत्यंत सुखकर होते हैं, जिसमें विषयों का लेश नहीं होता, दिव्य सात्विक और ऐसे अनुभव, दिव्य प्रकाश, भगवत दर्शन आदि भी कुछ स्थितियां बनती हैं कुछ साधकों की, कुछ मनुष्यों की। उनको स्वप्न में ऐसा दिखाई दिया, भगवान के चिन्मय रूप, दिव्य प्रकाश आदि ऐसे स्थिति बनी है, दिखी है कभी स्वप्न में, तो उसकी स्मृति से ध्यान के समय उसी स्मृति के बनाए कि मैं अभी जो ध्यान कर रहा हूँ अभी उसी स्थिति में मैं हूँ जिसमें कभी मैंने स्वप्न देखा था। उसको और इसको दोनों को मिलाने का प्रयत्न वहाँ पर करना चाहिए और उसकी स्मृति करते 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 हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। लेकिन ऐसे कोई स्वप्न नहीं जो सात्विक स्वप्न है, जहाँ पर विषयों का लेश नहीं है, दिव्य चिन्मय स्थिति बनी है, वहाँ पर सात्विक स्थिति बनी है, भगवत अनुभूति कुछ किसी भी रूप में हो, जैसे भी हो, लेकिन वहाँ एक विलक्षण अनुभूति हुई हो। ऐसी किसी के पास अनुभूति हो स्वप्न की, उस अनुभूति का स्मरण करते हुए ध्यान काल में और वही पुनः बनाने का प्रयत्न करें कि मैं पुनः वैसी स्थिति में जा रहा हूँ। तब कहते हैं कि यहाँ ऐसे करने से भी मन एकाग्र हो जाता है, ऐसे भी साधना की जाती है। अथवा निद्रा ज्ञानालंबनम वा, निद्रा ज्ञान ऐसी सुषुप्ति, निद्रा का मतलब वह शयन की स्थिति जिसमें हमने स्वप्न भी नहीं देखा, लेकिन वो स्थिति ऐसी कभी कभी बनती है या बनती है किसी साधक की, या नहीं भी हो सकती, इसमें कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, सबकी हो ही जाती है वैसी, कि ऐसी सुषुप्ति हो या ऐसा स्वप्न हो। ऐसा हम ये नियम नहीं कह सकते हैं कि सबको ऐसी अनुभूति होती ही है, कई लोगों की होती है, कईयों की नहीं भी होती है। तो इसलिए जिनको हुई है उन्हीं के लिए ये नियम काम करेगा, उन्हीं के लिए ये साधन अपनाने योग्य हैं, जिनको नहीं है तो वो अन्य साधन अपना सकते हैं। तो ऐसी निद्रा हो, ऐसी गहरी निद्रा हो जिसमें उनकी ऐसी स्थिति बनी हो कि वो भूल ना पाए कभी, ऐसी सुसुप्ति, ऐसी गाढ़ी निद्रा और ऐसी शांतता, प्रशांतवाहिता स्थिति चित्त की बनी हो, चिन्मय एक स्थिति बनी हो, सात्विक, दिव्य, आनंदमय, प्रकाशमय। यदि ऐसी बनी हो कभी तो उसको स्मरण करते हुए ध्यान काल में और उसी स्थिति में जाने का प्रयत्न करना चाहिए बारंबार स्मृत्यात्मक रूप से स्मरण करते करते। हम वहाँ तो पहुँच नहीं सकते क्योंकि वो तो काल व्यतीत हो चुका है, लेकिन ऐसा हम वहाँ चिंतन करें कि मैं अभी उसी दशा में हूँ, उसी स्थिति में हूँ, क्योंकि वो ऐसी अनुभूति होती है कि हम उसको भूल नहीं पाते। यदि ऐसी अनुभूति हो निद्रा की या स्वप्न की तो दोनों ही स्थितियों में हम उसके ज्ञान का आलम्बन लेकर के, उसकी स्मृति का आलम्बन लेकर के और हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। इसलिए कहा स्वप्न ज्ञान आलम्बनम वा निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा तदाकारम योगिनश्चित्तम स्थिति पदम लभते इति, कि स्वप्न ज्ञान का आलम्बन लेकर के और उसी ज्ञान के अनुरूप अपने वृत्ति को एकात्म कर लेते हैं, अथवा निद्रा ज्ञान का आलम्बन लेकर के उससे तदाकार कारित हो जाते, तद्रूप हो जाते हैं, वही स्थिति बन जाती है जो कभी निद्रा में हुई थी या कभी स्वप्न में हुई थी। वही स्थिति स्मरण करते करते यदि हम बना लें अपने चित्त में, तदाकार कारित कर लें चित्त को उसी अनुभूति के साथ, उन्हीं बीती हुई स्मरणों के साथ एकात्म कर लेते हैं। सामान्य रूप से जो है जागृत काल में ही तो ऐसा हो जाता है। जैसे अत्यंत आसक्त व्यक्ति अपने पूर्व बातों को सोच सोच करके और उसमें तल्लीन हो जाता है। कोई ऐसी सुखद स्मृति हो कि बैठा है सोच रहा है, कोई बोल रहा है अरे भैया कुछ काम है, ऐसा कुछ बोला उससे तो सुना ही नहीं, फिर उसको हिलाया कि कहाँ खो गए हो, तब तो वो होश में आता है अच्छा मैं कुछ और सोच रहा था, मैं वो बात याद आ रही थी। तो वो स्मृति सुखद स्मृति ऐसी हो तो वो व्यक्ति उसमें लीन हो जाता है। तो ऐसे ही निद्रा की स्थिति हो सुखद पूर्व में, या स्वप्न की स्थिति हो ऐसे सुखद पूर्व में, जिसमें ध्यान रखना चाहिए कि राजसिक और तामसिक ना हो, ऐसा ना हो कि वो और जो वासनाओं को भड़काने वाली हो उसमें भी सुख मिलता है। वैसे स्वप्न व वैसे निद्रा का ज्ञान यहाँ पर आलम्बन करने योग्य नहीं है। यहाँ पर सात्विक ऐसे दिव्य जिसको हम कभी भूल ना पाए, तो उस प्रकार की यदि राजसिक और तामसिक रहित स्थिति हो, उस ज्ञान का आलम्बन लेकर के यदि हम तदाकार करें, तब अपने चित्त को कर देते हैं, तल्लीन कर देते हैं उसमें, तो वो भी हमारे मन को बांध देता है, एकाग्र कर देता है। तो यह भी एक साधन है, इससे भी हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। और इसके बाद 6 साधनों का उल्लेख कर दिया अभी तक महर्षि ने, और फिर उसके बाद कहा, बड़े उदारतापूर्वक कहा, कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाते हुए कहा, और कहा सूत्र संख्या 39 में यथाभिमत ध्यानाद्वा करेंगे। यथाभिमत ध्यानाद् वा शब्द वही विकल्प अर्थ में है। आपको जैसे भी अभिमत हो, हमने इतने उपाय बताए, लेकिन इसके अतिरिक्त भी आपको अन्य शास्त्रों में गुरुओं के माध्यम से कोई भी उपाय आपको समझ में आए, आपके अनुकूल हो, आपके प्रवृत्ति के अनुकूल हो, आपके रुचि के अनुकूल है, आप उसके करने में सहजता महसूस कर रहे हैं, उसी से करिए। यथाभिमत बड़े उदारतापूर्वक, कोई प्रतिबंध नहीं। नहीं तो कई बार प्रतिबंध आसक्ति हो जाती है, कई बार आग्रह हो जाता है कि नहीं मैं जो बता रहा हूँ वही करिए, इससे इतर करोगे तो बस आप गड्ढे में गिरोगे। लेकिन ऐसा महर्षि पतंजलि बड़े उदार हैं, ऐसा कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं कि इससे करिए, अथवा इससे कर लीजिए, अथवा इससे कर लीजिए, अथवा इससे कर लीजिए, और अंत में कहते हैं देखिए जैसे भी हो लेकिन करिए, जैसे भी हो, जो भी उपाय आपको पसंद आए गुरुजनों के द्वारा, अन्य शास्त्रों में, अन्य परंपराओं में, क्योंकि मुख्य मुख्य तो इन्होंने कहा, बहुत सारे नहीं कह सकते हैं, तो उसमें यथाविमत में क्या हो सकता है, तो उसके लिए जो है किम बहुना यदेव अभिमतम हरिहरमूर्त्यादिकम तदेव आदौ ध्यायेत् तस्मादपि ध्यानतत्र लब्धस्थितस्य चित्तस्य नेत्रापि विवेक पर्यन्तः सूक्ष्मेषु बिना इव साध्यांतरम स्थिति योग्यता भवति इत्यर्थ। यहाँ पर ये विज्ञानभिक्षु भाष्य मैंने पढ़ा। विज्ञानभिक्षु ने कहा कि वो अन्य अभिमत क्या हो सकता है, कोई भी मतलब मूर्ति के माध्यम से करना चाहे, उसमें मूर्ति में भी कोई विष्णु की मूर्ति का आलम्बन लेना चाहे, कोई महादेव की मूर्ति का आलम्बन लेना चाहे, जो भी आलम्बन है, अथवा स्थूल विषय हो या सूक्ष्म विषय हो, जिस प्रकार से विषय हो, जो भी आपको अभिमत हो, जो भी आपको, जो भी भगवान के स्वरूप अच्छे लग रहे हैं, जो भी महापुरुषों के आपके चरित्र अच्छे लग रहे हैं या उनके रूप अच्छे लग रहे हैं, उनका ध्यान धरिए, लेकिन अवश्य धरिए उसमें करने से भी, लेकिन जो आपके अनुकूल है रुचकर। सब सबके लिए नहीं होता, इसलिए यहाँ पर विकल्प देना पड़ता है, क्योंकि एक ही रोग के लिए कई दवाएं होती हैं, एक रोग के एक ही दवाई नहीं होती, एक रोग के लिए कई दवाई होती है। किसी में कोई दवाई काम करती है, किसी में कोई दवाई काम करती है, एक ही दवाई सब में काम नहीं करती, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। इसी कारण से यहाँ पर भी एक ही ध्यान की विधि सब में काम कारगर साबित नहीं होती है, इसलिए अलग अलग इतने उपाय बताए हैं। इसमें से जो भी अभिमत हो, जो भी अभिष्ट हो, उसके आलम्बन लेकर के करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भाष्यकार ने कहा कि यदेव अभिमतम तदेव ध्यायेत, जो भी आपके अभिमत हो उसी से आप करिए, उसका ही ध्यान करिए, आपको करना चाहिए। तत्र लब्धयति स्थितिकम अन्यत्रापि स्थिति पदम लभते इति, यदि कहीं भी एक जगह आपने ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया, एक आलम्बन में, किसी एक आलम्बन में यदि आपको सफलता मिल गई कि आप उसमें अपने चित्त को रोकने में सक्षम हो जा रहे हैं, समर्थ हो जा रहे हैं, तो आपको अन्यत्र भी रोकने में समर्थता हासिल हो जाएगी, आप उसमें भी सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि पहले तो अभ्यास करना पड़ता है एक जगह स्थूल विषयों में, क्योंकि हमारी बुद्धि मोटी होती है, सूक्ष्म बुद्धि अभी उस प्रकार से नहीं होती, तो स्थूल विषयों में पहले लगा देते हैं, मूर्ति आदि में लगा देते हैं। यदि मूर्ति आदि में ही हमारा ध्यान गढ़ने लगे तो फिर उसका हम अन्य विनियोग कर सकते हैं, अन्य प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ भी लगा सकते हैं, सूक्ष्म अर्थों में भी लगा सकते हैं, अति सूक्ष्म अर्थ में भी हम उसको लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे भी हो, प्रारंभिक स्थिति यदि जिसकी हो तो वो मूर्ति आदि के माध्यम से भी कर सकते हैं, और एक बार वहाँ स्थिति प्राप्त हो जाए तो अन्यत्र भी उस स्थिति को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो इस प्रकार से वो स्थिति पद को प्राप्त कर लेता है, यानी कि चित्त की एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से महर्षि ने यहाँ पर 7 प्रकार के चित्त के शोधन के उपाय, जिसे परिक्रम कहा, उसका उल्लेख किया। आगे हम और वर्णन करेंगे, देखेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।